पीएम मोदी के सामने कांग्रेस प्रियंका को बनाएंगे पीएम उम्मीदवार। राहुल की जगह प्रियंका संभालेंगे अब कांग्रेस के कमान। विपक्ष में सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विकल्प कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। अभी तक तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी को पीएम मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष की ओर से पेश किया जाएगा, लेकिन सूरत की सीजेएम कोर्ट ने कांग्रेस की पूरी रणनीति पर ही पानी फेर दिया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा तो मिली है, साथ ही उनके 8 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं रह सकते, जिस कारण से कांग्रेस को अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी पड़ रही है। 2024 की शुरुआत में लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव में करीब 300 दिन का ही वक्त बचा है। देश में अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी, अगले साल जनता के वोटों से इसका फैसला हो जाएगा। बीजेपी की ओर से तो साफ है कि वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, लेकिन विपक्ष से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे आगे निकलता दिख रहा है। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो प्रियंका का कांग्रेस नेता होना ही माना जा रहा है, क्योंकि ये साफ माना जा रहा है कि अगर सरकार विपक्षी गठबंधन की बनती है तो पीएम कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस की ओर से इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का वो हिस्सा भी होंगी और नेतृत्व भी करेंगी। और अब नेतृत्व कौन करेगा ये भी साफ होता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी का है। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में एक समान है। कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के भी बीच ये संदेश है कि पीएम मोदी का अगर कोई विकल्प बन सकता है तो वो प्रियंका गांधी ही है। बीजेपी को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन ही दे सकता है। कृष्णम ने कहा कि इस समय देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरी हो गया है कि गांधीवादी और देश को एकजुट रखने की चाहत रखने वाले लोगों को एकजुट किया जाए। पूरी ताकत से 2024 के चुनाव में भाजपा खिलाफ उतरे। 2024 का चुनाव मुद्दों का चुनाव नहीं है, बल्कि चेहरे और व्यक्तित्व का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए देश की जनता के सामने कोई सशक्त चेहरा लाना पड़ेगा, और वो चेहरा प्रियंका गांधी का ही दिख रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी लंबे समय से राजनीति में है। कांग्रेस पार्टी का वो 2 दशक से प्रचार कर रही हैं। शुरुआत में वो अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित थी, लेकिन 5 साल पहले उनकी सक्रियता बढ़ी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई, यूपी का प्रभार उन्हें सौंपा गया। प्रियंका गांधी यूपी में तो कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय उन्हें दिया गया, क्योंकि पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में ही कैंप करती रही। नामांकन के दिन से लेकर वोटिंग तक प्रियंका ने हिमाचल नहीं छोड़ा था। इस दौरान उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में रैली और रोड शो किए थे। प्रियंका गांधी की सिफारिश पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद मिला था। इसके बाद से ही यह साफ हो गया था कि अब कांग्रेस में प्रियंका की भूमिका बढ़ने वाली है, और दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी करीब 1 दर्जन सभाओं का प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है। राहुल के अयोग्य होने से उनकी जगह पर प्रियंका को चेहरा बनाने की कोशिश कांग्रेस के अंदर से शुरू हो चुकी है। वैसे प्रियंका गांधी को कांग्रेस पीएम उम्मीदवार बनाएगी, ये बहुत कुछ राहुल गांधी के मामले में कोर्ट से तय होगा। अगर राहुल गांधी मानहानि के मामले में बरी हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नहीं तो प्रियंका गांधी के रूप में उनके पास एक विकल्प मौजूद है।